निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने किया इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा का दौरा। पिछले लंबे समय से इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़े का रिक्रिएशन का काम चल रहा था। निगम की प्लानिंग है राजवाड़े का काम 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरा किया जा सके। राजवाड़ा के रॉ मटेरियल यूरोप से आना है। रॉ मटेरियल फिलहाल कोरोना के चलते रुका हुआ है। निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बताया कि रॉ मटेरियल 20 से 25 दिनों में यूरोप से आने की संभावना है। फिलहाल राजवाड़े की 3 मंजिला का काम अभी बाकी है, साथ ही कुछ फिनिशिंग का काम भी अगले 3 माह में पूरा किया जाएगा। निगमायुक्त ने कहा कि इंदौर वासियों को 15 अक्टूबर तक राजवाड़ा बिल्डिंग का रिक्रिएशन का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नगर निगम ने अक्टूबर माह में राजवाड़ा अपने पुराने स्वरूप में इंदौर वासियों को दिखाई देगा। राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, गांधी हॉल, मराठी स्कूल इंदौर के सभी ऐतिहासिक बिल्डिंग का रिक्रिएशन के बाद कैसा होगा उपयोग, इसके निर्णय सिटी एडवाइजरी और जनप्रतिनिधि शहर के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक के बाद तय होगा। आने वाली जनरेशन को ऐतिहासिक इमारत को देखने को मिलेगा अवसर। कोरोना के चलते राजवाड़े सहित अन्य ऐतिहासिक बिल्डिंग का काम फिलहाल चल रहा है लेट। पुराने फोटो के आधार पर राजवाड़े को किया जा रहा है रिक्रिएशन। जल्द ही इंदौर वासियों को ओरिजिनल स्वरूप में दिखेगा राजवाड़ा। चूंकि राजवाड़ा अपनी ऐतिहासिक विरासत है और काफ़ी लंबे समय से पूरे इंदौर को इंतज़ार है कि हम लोग इस बिल्डिंग का काम ख़त्म करें और अपने रेस्टोर्ड स्वरूप में राजवाड़ा और पहले से बेहतर नज़र आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी का जो हम लोगों की प्लानिंग है वो अगले 3 से 3.5 महीने 30 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर, क्योंकि इसका कुछ रॉ मटेरियल यूरोप से आना है तो इस समय कुछ कोविड की वजह से शिपमेंट्स थोड़े लेट हुए हैं। तो जैसे ही हमारे पास रॉ मटेरियल 20-25 दिन में आ जाएगा, वैसे ही जो ऊपर की 3 मंजिलों का काम बचा हुआ है वो शुरू हो जाएगा। बाकी काम पैरेलल कुछ कुछ फिनिशिंग का बचा हुआ है वो लगातार होकर अगले 3 महीनों में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग इस बार ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अक्टूबर 15 तक ये बिल्डिंग पूरी तरीके से फिनिश होकर अपना जितना भी काम रजिस्ट्रेशन का हम लोगों को करना है हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देंगे और अक्टूबर माह में राजवाड़ा अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस दिखेगा। इस प्रकार अपने लोगों ने जितने भी हेरिटेज कंजर्वेशन जिन बिल्डिंग्स के करे हैं, जिसमें राजवाड़ा है, गोपाल मंदिर है, गांधी हॉल है, इसी तरीके से अपना मराठी स्कूल बन रहा है, इस तरीके इन सभी बिल्डिंग्स का क्या उपयोग होगा, हम लोग अडेप्टिव रीयूज़ इनका क्या करेंगे, इसको लेकर एक सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम की बैठक हम लोग स्मार्ट सिटी में जल्दी ही बुलाएंगे, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस शहर का वो सभी लोग होंगे। उनकी सभी की राय लेकर इस पर ये निर्णय किया जाएगा कि इन सभी बिल्डिंग्स को हम लोग कुछ इस तरीके से इनका रीयूज़ करें कि आने वाली जनरेशन न सिर्फ इनके बारे में जाने बल्कि ये सस्टेनेबल भी हो सके, तो इसको लेकर एक बैठक आयोजित की जाएगी। इंदौर स्मार्ट सिटी ने अपने सभी जितने भी हेरिटेज कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स लिए हैं वो थोड़े डिले जरूर हुए, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल ये कोशिश की है कि पिछले जो फोटोग्राफ्स थे, पिछले आर्किटेक्ट के जितने भी प्लान्स थे वो सभी देख करके किस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी उस समय इन इमारतों के बनने में, उन्हीं सब का उपयोग किया है। आप देखेंगे चूने का, गुड़ का, कहीं फाइबर्स, इस तरीके की चीज़ों का, मेथी दाना इस्तेमाल हुआ है। वुड, जो वुडन स्ट्रक्चर्स थे उनको वुडन स्ट्रक्चर रखा है। पुराने फोटोग्राफ्स में जिस तरीके की चीज़ें, जैसे हम राजवाड़ा का ये ब्लॉक देखते हैं जो 1984 में जल गया था, लेकिन उसके कुछ पुराने फोटोग्राफ्स थे तो उसको वापस से रिक्रिएट किया है। प्रयास बस यही किया है कि जिन लोगों ने उस समय इन बिल्डिंग्स को देखा है, जिस ओरिजिनल स्वरूप में देखा है, जब वो इसको वापस से देखें तो उनको ये वो इसको रीमेमोराइज कर पाएँ कि ये वही है जैसा इसका ओरिजिनल स्वरूप हुआ करता था। कुछ अफसरों के तबादले हो गए लेकिन उनको हो गए हैं। जिन अफसरों के तबादले हुए हैं उनको रिलीव कर दिया गया है। कुछ लोग जो मध्य प्रदेश शासन के आदेश हैं वो नगर निगम इंदौर को भी सभी मान्य होते हैं, तो जिन अधिकारियों को तबादले किए गए हैं उनको रिलीव किया गया है। जो अधिकारी बचे हुए हैं वो कोविड मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए एक दो अधिकारियों को रोका गया है।